तो बीच में एक वीडियो वायरल हो रहा शिवम का, वो बोल रहे हैं मेरा है ये, इसका जवाब दीजिए कि क्यों नहीं आखिर ये आरोप है, आरोप लगाया जा रहा है मीडिया के साथ। मता आपने कहा है, पता नहीं होगा फिर हमको नहीं पता। आपने कहा आपको पता ही नहीं, नहीं। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? आप मीडिया के ऊपर आरोप लगा कर फिर बच रहे हैं, ये गलत चीजें हैं। नहीं नहीं, हमने किसी के ऊपर क्या मीडिया झूठी दिखाएगी? नहीं, मीडिया क्या मीडिया झूठी दिखाएगी? मीडिया झूठी है, जो जो मीडिया आपको वायरल करा सकती है क्या आपकी बात को झूठा दिखाएगी? नहीं, मीडिया मीडिया ना होती तो मैं यहाँ खड़ा ही ना होता। फिर आपने मीडिया को क्यों ऐसा कहा कि मीडिया के साथ मत आइएगा? आप अगर साबित वो करेगा या आप करेंगे जब तक मीडिया नहीं। नमस्कार, मैं मुकेश यादव, आप देख रहे हैं देहाती क्रिएटर। इस वक्त हम मौजूद हैं अमेठी जनपद में और हमारे बगल जो शख्स खड़े हैं इनको तो आप पहचान गए होंगे क्योंकि अब ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर जो और तमाम कई कंट्रियाँ हैं जहाँ से लोग इनको देख रहे हैं। वजह यह है कि इनके पास एक सारस पक्षी है और सारस पक्षी से इनका जो मोहब्बत है वो बेमिसाल मोहब्बत है। लोगों के सामने गया और लोगों ने इस चीज़ को माना कि हाँ वाकई में इंसान से और पक्षी से जो मोहब्बत होती है, जो प्रेम की भाषा होती है, एक पक्षी भी समझ सकता है अगर उसे प्रेम किया जाए। लेकिन अभी कुछ समय पहले, एक दो दिन पहले का मामला है, किसी पक्षी को लेकर एक व्यक्ति जो इसी उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है वो ये दावा कर रहा है कि ये जो सारस पक्षी है वो हमारा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है क्योंकि ये मामला चल रहा है, क्योंकि वो भी इंटरव्यू दे रहा है और इंटरव्यू में ये बता रहा है कि मेरे पास पहले था और एक साल से मैं रखा था, डेढ़ साल से रखा था, कभी कहा था ढाई महीने से गायब हुआ, कभी कहा था एक साल से गायब है। तमाम सारे सवाल होंगे और इनसे मैं पूछूंगा कि भैया ये आपका है कि आप उस जो व्यक्ति ये दावा कर रहा है कि वो पक्षी उसका है, उसका ये पक्षी है, ये अपने आप को इनको साबित करना है और उसको भी अपने आप को साबित करना है। लेकिन उससे बातचीत भी हुई, उसको ये कहा गया कि आप यहाँ से आइए, मिलिए और साबित करिए कि आपका है। तो उसने ये भी कहा कि हाँ मैं आऊँगा, अगर मेरे पास मेरे साथ वो चला जाता है तो वो मेरा होगा। और जिस बात को आरिफ भाई ने भी कहा था कि अगर वो आपके साथ चला जाएगा तो आपका ही है। सर, सबसे पहले आप यही बताइए हमें कि वो जो दावा कर रहा है कि ये पक्षी उसका है, ये आप कैसे साबित करेंगे ये आपका पक्षी है? ये पहले पक्षी तो मेरा नहीं है, ये जो है हमको खेत में मिला था, इतना बड़ा है, इतना बड़ा ही मिला था, हमने कभी नहीं कहा मेरा है। और जब मिला था हमको तो हम तो इलाज करने के लिए लाए थे और हम चाहते थे ठीक होने के बाद ये चला जाए, जहाँ से आया है अपने परिवार पर ये गया नहीं। बीच में ये मेरे साथ रहने लगा, इतना साथ रहे उड़ने लगा, वो सब तो हो गया, सबको पता है। तो बीच में एक वीडियो वायरल हो रहा शिवम का, वो बोल रहे हैं मेरा है। और वो से बातचीत आपकी हुई है? हाँ, उनके मामा ने मेरे पास फोन किया था। क्या कहा? वो बोले कि जो है हम आना चाहते हैं मिलने, तो हमने कहा आपको और पहले आना चाहिए था, कौन मना किया है आपको आने से, और आप आइए। 1000 की भीड़ में जैसे लोग आते हैं, हम तो चाहते थे कि 1000 की भीड़ में आप आएँ, पहले हमको भी यहाँ बताए हुए, इन्फॉर्म किए हुए आते। और आपका है सारा, आपको पहचानता है, आपने एक साल तक ट्रेनिंग दी है बोल रहे हैं, डेढ़ साल तक जो भी दिया हो, तो आपको पहचानता, खुद ही चला जाता, तो यहाँ हम खुद ही आश्चर्यचकित रह जाते, जितने लोग थे वो भी आश्चर्यचकित रह जाते, ये कौन सा बंदा आ गया, किसके साथ सारा चला गया जी। आप यहाँ बता रहे हैं कि वो चाहे जब मर्जी करे आए। हाँ। और वहाँ फोन पर भी ये बातचीत हो रही, वो कह रहा कि हमको आरिफ ने बुलाया है 3 दिन बाद, वो भी अकेले आना और मीडिया के साथ मत आना। जहाँ जिस स्तर पर आप हैं ये सारी दिन मीडिया वालों की है। जी जी, आप अगर इस तरीके से विरोध करेंगे कि मीडिया को नहीं आना, आप अकेले आओ, कहीं ना कहीं इसका मतलब आप गलत हैं, आप मीडिया से डर रहे हैं। नहीं, मीडिया से हम नहीं डर रहे हैं, हम तो चाहते हैं मीडिया आए, जितने लोग आते हैं, चाहे 1000 सब्सक्राइबर हों उनके, यूट्यूबर चाहे, सबको हम इंटरव्यू दिए हैं, दिल खोल के पानी पिलाया है, वो सब दिक्कत नहीं है। तो फिर उनको आपने क्यों मना किया कि मीडिया के साथ? मना किया हमकी मीडिया, ये रिकॉर्ड है, आप ऐसे नहीं कह सकते, आपने खुद कहा है, ये रिकॉर्ड है, आपने कहा कि मीडिया के साथ मत आना, अकेले आना, क्यों कहा आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने अभी बात हुई थी उनसे, बोले वो बोले शाम को आएंगे, बोले आज की बात मत करिए आप, इसके पहले जो बात हुई आपने उन्हें कहा है कि मीडिया के साथ मत आना, ये इसका जवाब दीजिए कि क्यों नहीं आखिर ये आरोप है, आरोप लगाया जा रहा है मीडिया के साथ मत आना। आपने कहा है, पता नहीं होगा फिर हमको नहीं पता। आपने कहा आपको पता ही नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? आप मीडिया के ऊपर आरोप लगा कर फिर बच रहे हैं, ये गलत चीजें हैं। नहीं नहीं, हमने किसी के ऊपर क्या मीडिया झूठी दिखाएगी? नहीं, मीडिया क्या मीडिया झूठी दिखाएगी? मीडिया झूठी है, जो जो मीडिया आपको वायरल करा सकती है क्या आपकी बात को झूठा दिखाएगी? नहीं, मीडिया ना होती तो मैं यहाँ खड़ा ही ना होता। फिर आपने मीडिया को क्यों ऐसा कहा कि मीडिया के साथ मत आइएगा? आप अगर साबित वो करेगा या आप करेंगे, जब तक मीडिया नहीं रहेगी साबित नहीं हो पाएगा। नहीं, आप लोग आइए, साथ में आइए, उनकी जो है जब आना चाहे वो, हम अगर हमारे पास कॉल आता है तो हम आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे वो आ रहे हैं, आ जाइए, या वो इन्फॉर्म कर दें आपसे। तो हमारा सब जितने लोग आए पुराना पर्चा है पहले से ही। आप इस गलती को माने, आपने गलती किया है कि नहीं ये बताइए पहले। नहीं नहीं, हमने कुछ ऐसा नहीं किया, ये रिकॉर्ड है, आप ऐसे फिर मुकरिए मत, आपने गलती किया है, आपने कहा कि मीडिया नहीं आनी चाहिए, आप अकेले आना। नहीं, हमको नहीं याद, हमने नहीं कहा। नहीं, वो तो बार बार कहीं कहीं फोन करने पर यही आपके पास फोन करके रिगार्डिंग है कॉल की, मिल जाएगा। हाँ, तो सुनाइएगा, मान लेंगे हम तब। ऐसे मतलब अगर हम आपको रिकॉर्डिंग सुनेंगे तब आप मान लेंगे? हाँ, तो ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे कैसे होगा? ऐसे कोई किसी से। अगला सवाल, आप पर आरोप है
आप वायरल हो गए, आप सुनने में आए कि लोगों को अनफॉलो वगैरह भी करते, चलिए उस पर भी बात करेंगे, अनफॉलो वगैरह भी करने लगे वो भी, चलिए ठीक है। आप धमकी वमकी भी देने लगे हैं, और खुद भी देते हैं, लोगों से भी दिलाते हैं, इतना बड़ा गैंग है, गैंगस्टर हो गए क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, सारे जितने आरोप है सारे फर्जी है, धमकी वमकी देने के, अगर कोई ऐसा वीडियो मतलब हो या ऑडियो रिकॉर्डिंग हो धमकी दे, हमको भी सुनाइए, उसको मीडिया भी चलाइए जी। अच्छा धमकी दिए थे कि नहीं दिए? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, धमकी वमकी कुछ नहीं दिए। दूसरा आरोप आप पर है, आपको आपको लगातार हजारों लोगों से मिलने का समय है, आप अपने आप को वायरल कराने के लिए, आपको पता है कि मीडिया के सामने आएंगे तो लगातार हम फेमस होते जाएंगे जी, जी, जी। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो व्यक्ति आपके सारस को कहता है कि हो सकता है वो सारस मेरा हो सकता है, आप उसको मिलने के लिए 3 दिन का समय दे देते हैं, इसका मतलब आप सच्चाई से भाग रहे हैं? 3 दिन का समय नहीं दिए हम किसी को, हम तो उनको पहले ही बोले जितने लोग आ रहे हैं उनके बीच में आप चले जाते, किसी को पता भी नहीं चलता कौन आया है कौन नहीं, सरस्वती लेके चले जाते, तो शुरू से ही बोल रहे हैं कि ये ले जाइए, अगर आपका है आपके साथ जाता है तो उसको ले जाइए, मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ मेरा नहीं है, मुझको मिला हुआ है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारा है। हाँ वो कह रहे हैं, आएंगे तो अपना पता चलेगा। अच्छा 3,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे जी जी, आज 1,13,000 समथिंग हो गए हैं, 1,42,000 बिल्कुल जो भी हुए हैं, उसमें आपने पहले कई पुराने दोस्तों को कई लोगों को फॉलो किया था, जिनकी शिकायत मेरे पास तक आई है कि आज आरिफ वायरल हो गए तो मुझे अनफॉलो कर दिए, क्या बात हो गई? आप स्टार हो गए तो क्या धरती पर रहना बंद कर दिए क्या? आकाश हवा में उड़कर चलते हैं? दोस्तों को आपने अनफॉलो कर दिया जिनसे बेहद लगाव था। जब आप अपने दोस्तों के नहीं हुए तो आप झूठ भी बोल सकते हैं, हो सकता है उसी का आरिफ हो सारा। नहीं 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 ऐसी बात नहीं, हमने किसी को अनफॉलो नहीं किया, जो लड़का मेरे साथ एक रहता था वो उसने अनफॉलो किया, हमने आपको भी दिखाया। कोई सिक्रेटरी रखी है क्या? कोई सिक्रेटरी रखी है? सिक्रेटरी नहीं रखे, एक लड़का था यूट्यूब चलाने के लिए लाए थे, हमको नहीं मालूम था कैसे क्या होता है, तो वही इंस्टाग्राम में छेड़छाड़ कर दिया, अनफॉलो कर दिया। बाकी जिन लोगों ने छेड़छाड़ किया या मनसा थी ऐसी आपकी की गया, नहीं किया उसने। चलिए अगला अगला सवाल। सूचना मिली है कि कल वो आ रहा है? सूचना मिली है कि कल वो आ रहा है, कॉपरेट कर रहे हैं आप उसको? जी बिल्कुल आई, हम तो कह रहे हैं आई आए, वो हम कॉल करें, कहीं ऐसा ना हो कि वो आए और आप नहीं नहीं वो सूरज निकलना बंद कर सकता है, पर हम छोड़ के जाने वाले नहीं, क्योंकि जैसे धमकियां भी मिल रही है कि अगर वो आएगा तो वो डर रहा है आने से, पहले नहीं डर रहा था लेकिन अब वो आने से डर रहा है कि भैया मैं प्रभावशाली व्यक्तित्व तो हो सकता है, समाजवादी पार्टी के नेताजी भी मिल गए थे तो थोड़ा नहीं नहीं ऐसे कोई नेताजी उनसे पहले हाँ भाई पावर बढ़ गया, पावर बढ़ गया हो उनसे पहले हमारी मुलाकात हुई, यहाँ पे कोई उस तरह की बात नहीं हुआ है, पच्ची से मिले हमसे मिले, आस पड़ोस जो गाँव के लोग है सबसे मिले। अखिलेश यादव ने हिदायत दे दी कि किसी को सारा सब देना नहीं है आपके पास? ऐसा कुछ नहीं उन्होंने बोला जो है, अखिलेश यादव जी ने भैया ने कुछ नहीं बोला। अगर सारस स्वतंत्र विचरण का, सारस बहुत सेंसिटिव मामला है, राजकीय पक्षी है, बात समझे, केवल वो एक जीव नहीं है, राजकीय पक्षी है बिल्कुल, और अगर कल उसका मन करता है यहाँ से उड़कर चला जाता है किसी और के पास जाता है, क्या आप दावा करेंगे कि आपका है? नहीं नहीं हम नहीं दावा करेंगे, तो शुरू से ही बोल रहे हैं मेरा नहीं है, जहाँ मन करता है आता है जाता है, शाम को वापस आ जाता है घर में, और अगर चला गया फिर नहीं आया तो कौन सा दावा करेंगे मेरा, हम थोड़ी ना कह सकते हैं मेरा है, किसी के पास चला गया आपकी तरह वो भी वायरल हो गया तो आप कहेंगे मेरा है, वो वापस कराओ? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हम कभी नहीं कहेंगे। नहीं नहीं कभी कभी किसी किसी का जब पाले रहता है गायब हो जाता है, जो वायरल होता रहता है कहता है कि वहां जो पड़ी है वो जो सारस वहां है वो हमारा है। नहीं हाथ में 5 उंगलियां रहती, 5ों बराबर है सबके, अलग अलग मनसा हो ही जाए आपकी? नहीं 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 होगी ना, जब हो गया ये तो पूछेगा। चलिए अच्छा, वो जो आप पर दावा कर रहा है, जो दावा कर रहा है वो ये कह रहा है कि हमारे खेत में सारस आया, मेरे साथ दिन भर रहा, और उसके बाद शाम को हमने कहा कि चलो हमारे घर चलते हैं, वहां रहना जी जी। ऐसा आपके साथ भी आ गया था? नहीं, क्या? नहीं ऐसा मेरे साथ नहीं, मुझे मैंने वीडियो में देखा था, हमें लगा कि आपसे पूछे, वीडियो में हमने भी देखा था, वो भी बात हम आपको बता रहे हैं। ये तो पहली बात, हमको जख्मी हालत में मिला था, पैर टूटा था, आप लोग देख ही चुके हैं, ठीक हुआ। उसके बाद दूसरे बात, जब उनका इंटरव्यू देख रहे थे अभी शाम को देखा था, फिर अभी आप लोगों के सामने भी देखा, उसका रिकॉर्ड मैं रख लिया हूँ स्क्रीनशॉट मतलब रिकॉर्ड करके, तो उसमें वो बोल रहे हैं कि 1 साल पहले मिला था, 1.5 साल ट्रेनिंग दी है, 2 महीने पहले गायब हुआ है, 2.5 महीने पहले गायब हुआ है। तो मेरे पास इंस्टाग्राम में शुरू से चलाता था, रील बनाता था, तो जब ये सब सुना तो हमने अपने इंस्टाग्राम खोला, हम खोजना चालू किया कि इसके साथ पहली रील मेरी कब है, तो वो हमने देखा तो इसके साथ पहली रील हमारी 16 अगस्त 2022 की है, तो 8-9 महीने ऐसे हो गए, वो बोल रहे हैं 2.5 महीने से गायब है, तो उसका सवाल नहीं उठता। वो तो कहता है शाम को खाना खिलाने के बाद घर के पीछे झाड़ियों में उसको ट्रेनिंग दिया करते थे, लेकिन अरे भाई जब वो खेत में था, जब वो खेत में था तो खेत में ऐसे बुला लिया जैसे हम लोगों को बुला लेते, चल बेटा मेरे घर चल, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा आप लोग ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, हमसे ज्यादा आप लोग जानकार हैं। भाई मजाकिया लोग पैदा हो गए हैं क्या? हमको भी लगा ये। चलिए अगर वो कल आता है, जिसकी बातचीत हुई, अगर वो कल यहाँ पर आता है और सारस के पास,
और अगर सारस उसके साथ वो ऐसा हो कि भाई जैसा कि उसे सच्चाई पता नहीं चल पा रही है, क्योंकि तो कभी वो कह रहा है एक साल से गायब, कभी कह रहा है ढाई महीने से गायब है, और आपके पास ये ऑलरेडी 8-9 महीने पहले से है, अगर वो आता है और अगर कहीं हो ना ऐसा, वो इसके उसके साथ जाना चाहे, वो चला अगर जाना चाहे तो ले 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 बाइक ले जाए, बाइक मेरी बाइक ले जाए, पीछे पीछे उड़ता हुआ चला जाएगा उसका है तो उसके साथ, फिर आप धमकी देने लगेंगे क्योंकि देखिए आपका पावर बढ़ चुका लगा देंगे, आपके पावर बढ़ चुका, आपके फॉलोअर्स बढ़ चुके हैं, ऐसा ना हो कि वो लोग हमको पसंद करते हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जो लोग हमको पसंद करते हैं धमकी धमकी उमकी जहाँ तक बात रही, जितने भी लोग हैं मेरे एरिया में सबसे पता कर लीजिएगा, जितनी मेरी उम्र हुई किसी जात तक हमारी लड़ाई हुई नहीं हुई, नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ बताएं कि हमको झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, उधर फॉलोअर को थोड़ा सा भैया देख लेना है, ये कह के थोड़ा सा हिदायत दे दे, बेचारे रास्ते में आए और देख लिए। बेहद अहम सवाल, बेहद अहम सवाल, आप YouTube आप चलाने लगे हैं बेहद कम समय में, सुनने में आया कि 2 ही दिन में आपका YouTube मोनेटाइज हो गया, पैसा भी आने लगा होगा, ठीक है अच्छी बात है, शुभकामनाएं आपको, लेकिन आप बीच बीच में कभी कभार ऐसी स्टोरी देखने को मिलती है मेरा सारस गायब हो गया, आरिफ कहीं मेड़ पर बैठ के रोने लगा है, कहां स्क्रिप्टेड स्टोरी कर रहे हैं आप, उसमें जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, उसकी भावनाओं को आहत कर रहे हैं आप, नहीं जनता को बेवकूफ नहीं है, जो लोग उसको देखते हैं तो उसमें लिखा है, जो क्या बोलते हैं जो टाइटल लिखा जाता है उसमें लिखा है सुबह की मस्ती, टाइटल में सुबह की मस्ती में आप किसी भावनाओं से खिलवाड़ करेंगे, भावनाओं से थोड़ी ना खिलवाड़, खिलवाड़ है भाई, अगला आदमी जो चाहता है सारस हमेशा आरिफ के साथ रहे, आप उसको एक दिखा दिए कि नहीं मेरा सारस गायब हो गया, तो आदमी क्या समझेगा, तो वो मजाकिया हो सकता है, लोग इतना आपसे भावनाओं से जुड़े रोने लगे हो, क्या उनकी आंसुओं का मोल है आपके पास, नहीं वो बात आपकी सही है, जो लोग भावनाओं से देखते हैं वो रोने लगते हैं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, पर उसमें हमने इसीलिए लिख दिया था सुबह की मस्ती, क्योंकि लोग सब पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, सब लोगों को पता है, वो एक इंटरटेनमेंट तौर पर उसको एंजॉय, एंटरटेनमेंट करिए, एंजॉय करिए, हर दिन की बातें डालिए, लेकिन आप स्क्रिप्टेड करके लोगों को बेवकूफ मत बनाइए ना, YouTube सारा बेवकूफ बनाने के लिए आप ले रहे हैं, नहीं ऐसा लगा उसको नेचुरली कर रहे हैं, उसको हरास मत करिएगा, कभी कभार आप उसको हाथ लगाते हैं, गर्दन उसका पंख टूट गया तो गर्दन गर्दन टूट गई, गर्दन वो इतना कमजोर है, नहीं हाथ वाथ नहीं लगाते जब उनको नहीं जानकारी देते, जैसे वो आके हमारे पास एकदम लिपट जाता है, खुद ही आके मेरे प्लेट में खाना खाने लगता है, तो ऐसे करते हैं, बाकी अपने मन से हम उसको कहीं नहीं पकड़ते कि इधर चल उधर चल, ये सब कुछ नहीं करते, बिल्कुल वही चीजें बदलाव आई है, मुझे लगता है या तो इन्हें डर हुआ होगा शासन प्रशासन से, अगर क्योंकि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी अगर इसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो आपके ऊपर तुरंत मुकदमा हो जाएगा, क्योंकि राजकीय पक्षी है, जान रहे ना, इनका बदल गया, इनका जो पहले की तरीके पहले पावर तो नहीं लगा देंगे, पहले जैसा पहले जैसा इनका बिहेवियर था, जिस तरीके से उड़ाते थे, पकड़ते थे, उठा लेते थे, वो एकदम पूरे तरीके से बदल गया, क्योंकि अभी तमाम ऐसे लोग आए हुए थे, बड़े-बड़े टीवी चैनल के लोग यहाँ पर आए थे, मना किया, और इन्होंने सीधे साफ तौर पर मना कर दिया, ये मैं टच भी नहीं करूंगा, ये कहां से आपको किसी ने बताया कि ऐसा कुछ मत करना, ये बताया नहीं हमको अपने आप से, मतलब गूगल वगैरह सर्च रियलाइज हुआ है, टच नहीं करना है हमको, ये आके हमको टच कर सकता है पर हम इसको नहीं कर सकते, हैरेसमेंट लग सकता है आपके ऊपर, जी जी दिक्कत है, कोई भी आपके ऊपर इस तरीके से मुकदमा कर सकता है, क्योंकि ये राजकीय पक्षी है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है, तो एक डर है वो, और पूछ लीजिए, पूछने पे आ जाएंगे अभी बहुत सारा पूछ जान लीजिए, अरे उसका भी जिक्र कर लीजिए, अरे भाई उसका भी जिक्र कर लीजिए जिसकी वजह से हैं थोड़ा सा आप मतलब आ जाते हैं उधर हल्का, कहाँ गया अंदर में, भैया कहाँ चले गए यार, एक बार फिर से आपको तस्वीरें देखने को मिली, राजा जी निकल आए हैं, क्योंकि कुछ आओ भैया पोटी भी कर दिए कुछ इसको भी दिखाइए, सब हमें साफ करना पड़ता है, महीने खड़े हैं, बिल्कुल आप सारस को लेने का केवल दावा नहीं कर सकते, दावा करना बड़ी बात होती है, आप जो दावा कर रहे हैं ना इसको भी साफ करना पड़ेगा, और ये भी साफ आरिफ भाई ही करते हैं, बिल्कुल एक बार आरिफ भाई फिर से बुलाइए अंदर, आओ इधर आओ, बात आपकी पीसी है साहब, चलिए हम परेशान नहीं करना चाहते, वो आराम चाहता है, जो पहने खड़े हैं ऐसे नहीं है, बिल्कुल ये पोटी जो कर देते हैं दिन भर में कई जगहों पे पोटी करते हैं, ये तारीफ का ही काम है भैया, इसको साफ सुथरा करते रहते हैं, लेकिन इसी सारस को लेकर विवाद हुआ है 2-3 दिन से, जो एक व्यक्ति है इसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला, जो बार बार ये दावा कर रहा है कि वो हमारा है, कभी
कहता एक साल से गायब है, कभी कहता डेढ़ साल से गायब है, कभी कहता ढाई महीने से गायब है। और इस तरीके से ऐसा साबित नहीं हो पा रहा है कि आखिर ये सारस पत्ती किसका है। फिलहाल उसने बातचीत के दौरान ये भी बताया कि मैं कल मिलने आ रहा हूँ। अब देखिए अगर वो कल मिलने यहाँ पर आएगा तो हम लोग भी मौजूद रहेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग की मौजूदगी होनी चाहिए, ना कि फिर से धमका दो कि मीडिया वालों को न्यून भी ऐसा मत करिएगा यार। ये ध्यान रखिएगा कि मीडिया होनी चाहिए अगर वो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तभी जाकर आपको ये चीजें साबित हो पाएगी कि आखिर ये किसका है। वैसे फिलहाल ये आजाद पक्षी है। किसका है? एक सवाल था सुनने में आया है तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से, आपसे नहीं, तमाम मीडिया चैनलों के माध्यम से सुनने में आया है कि आपकी बीवी परेशान हो जाती है इस सारस की वजह से। कोई प्रेम क्या और हम क्या थी क्या? पूर्व जन्म से कोई रिश्ता रहा? आपकी प्रेम क्या थी सुनने में आया है? कुछ लोगों ने चलाया था तक गलत थंबनेल बना के ऐसा प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को जो है बस इतना कहना चाहेंगे, हमारे साथ कुछ भी करें बेजुबान पक्षी के साथ ऐसा ना खिलवाड़ करें, गलत थंबनेल बना के जो है वो जो है कुछ बोल नहीं सकता, नहीं। उसकी भावनाओं से ना खेले, हमसे खेल सकते हैं खेलना होगा। पता चली है कि किसी ज्योतिष से आपने विचार किया है कि ये पूर्व जन्म का क्या संबंध है? ऐसा कुछ नहीं, ज्योतिष देखा है कहीं। अच्छा, इस चीज को मानते हैं आप? अगर इतना लगाव हो गया तो ऐसा हो सकता है पिछले जन्म का ऐसा बच्ची है ना कि अगर अपने जोड़े से बिछड़ जाता है तो उसकी बीवी में प्राण त्याग देता है, कहीं दूसरा जोड़ा आप ही ना हो। हां वही तो कह रहे हो, पत्नी के रूप में पति के रूप में ये तो पता नहीं, ये खुलासा तो नहीं कर सकते, लेकिन एक उम्मीद अब लोगों को लगने लगी है। खुलासा तो नहीं है जब देखे जा रहे जोड़े देखे जा रहे बिल्कुल आज ही मैंने कवर किया, आप ही क्या बैठी जा रहे दोनों जोड़े साथ में अकेले नहीं रहे, साथ ही रहते हैं, हमने भी देखा। ये आज का नहीं, इस पर एक रामायण लिख दी गई है कि दो पक्षियों के साथ में एक जोड़े के साथ में दोनों बैठे थे, किसी निषाद राज ने उन्हें तीर से मार दिया था, दूसरा जोड़ा मर गया था, उसी पर वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दिया था। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो जोड़ा आप हो और पूर्व जन्म के साथ वो रिश्ता जुड़ता आया हो, आज मधुर हुआ। पूर्व जन्म जहाँ तक बात ये नहीं है, ये सब हमको नहीं पता, पूछो, हो सकता है जोड़ा हम ही घुमा लिया हो। घर भी जाना है, ये भी ध्यान रखें, जोड़ा उसको बना रहे हैं, घर भी जाना होगा। बड़ी बेबाकी से जवाब में कई तीखे सवालों का आपने बड़े मुस्कुराते हुए जवाब दिया है। ये बिल्कुल मत समझे कि हमारा आपका जान पहचान है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सवालों से बच जाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल ये जरूर इन्होंने हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। और जिस सारस पक्षी को लेकर कहीं ना कहीं दो तीन दिनों से विवाद चल रहा है, एक और सदस्य है जो ये दावा कर रहे हैं कि ये पक्षी उनका है। फिलहाल ये आने वाले दिन बताएगा, जब वो पास में इनके आएगा बातचीत होगी और उस दौरान ये देखा जाएगा, जिसने उसने ये भी दावा किया कि वो हमारे साथ चला जाएगा। अगर उसके साथ ये चला जाता है तो आरिफ ने ये स्वतंत्र है, ये कह रहे कि भाई वो जा सकता है उसके साथ। ये आने वाला दिन बताएगा, आपको हम अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आरिफ से हमारी बातचीत हुई, क्या लगा आपको, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपको क्या लग रहा है कि क्या कुछ हो सकता है इसमें, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरे के पीछे सुनील यादव, देहाती क्रिएटर, अमेठी, रामकृष्ण पांडे, एयर इंडिया न्यूज। सब इसी सारस को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। एक तरफ लखनऊ से वहां राजधानी में बैठकर दावा किया जा रहा है कि सारस मेरा है, लेकिन अगर सारस अगर आपका है तो आप सच्चाई से क्यों भाग रहे हैं? लगातार मीडिया भी आपको इनवाइट कर रही है, आरिफ भी मीडिया के सामने इनवाइट कर रहे हैं। ऐसे लोग अगर इस तरीके की कृत कर रहे हैं और लगातार लोगों की भावनाओं के साथ अगर खिलवाड़ किया जा रहा है तो उनके ऊपर प्रशासनिक कार्यवाही पूरे कठोरतम की जानी चाहिए। अगर इस तरीके की मीडिया और आम जनमानस भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, कब आप उनको बुला रहे हैं मिलने के लिए? हम तो जब अभी आपके सामने की बात हो रही थी, हम तो कह रहे थे अभी चले, बोले कल आएंगे, शाम को फोन करके बताएंगे। आपके सामने बोले हैं शाम को फोन करके, शाम को फोन आता है तो आता है, बताएंगे आप लोगों को क्या बात हुई क्या। मान लीजिए कल वो व्यस्त हो जाते हैं, परसों आने तो परसों आ जाए, नरसों आ जाए, कभी भी आ जाए मिलने के लिए तैयार है? मिलने के लिए तैयार। कितने देंगे? नहीं, सुरक्षित तो फिर लखनऊ चले जाएंगे। हाँ, कोई समस्या तो नहीं है, अभी छोड़ के जाएंगे। चलिए भैया, ये किसी की संपत्ति नहीं है, एक आजाद पक्षी है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए छीना झपटी मारा पीटी या किसी को धमकी देना ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये तो आजाद है, सुबह के टाइम रोज चला जाता है, इतनी समय जो है सुबह के टाइम। फिलहाल जो एक मैं समझता हूँ, मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मत समझिएगा नीचे चढ़ जाए। बिल्कुल एक बेजुबान को निस्वार्थ अगर कोई बचा सकता है, अगर उसको अपने घर में रख सकता है, दिन भर उसकी पॉटी को साफ कर सकता है, तो निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि आप इंसानियत ही दिखाएंगे, लड़ाई झगड़ा मार पिटाई धमकी वमकी नहीं देंगे, ठीक है ना, ये उम्मीद की जा सकती है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरिफ जी, जो लगातार सारस के साथ वायरल हो रहे हैं, इनका वायरल चेहरा पूरे विश्व में फेमस हो रहा है।
अब एक नई छोटी सी कंट्रोवर्सी आ गई, उसमें कितनी सच्चाई है इसको जानने के लिए आप लगातार बने रहे हमारे साथ। कल फिर आपको मिलेंगे कुछ इन्हीं आरिफ भाई के साथ और इस सारस के साथ और एक नए शख्स के साथ जो लगातार दावा कर रहे हैं कि ये सारस मेरा है। अगर वो आ जाते हैं तो कैमरे के पीछे सहयोग करें ब्रजेश जी, मैं आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, अमित जी। बिल्कुल लगातार आप बने रहिए देहाती क्रिएटर पर, आने वाला अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। धन्यवाद। जय हमारा।